गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 9th की सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 32 को कंप्लीट करेंगे। बेटा ये आपके लोकतांत्रिक राजनीति के पार्ट 3 चुनावी राजनीति से रिलेटेड है और इस वर्कशीट में हम हमारे चुनाव प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे कि चुनाव किस तरह से होते हैं, किस तरह से कराए जाते हैं, चुनावी क्षेत्र कौन से होते हैं और बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पर जानेंगे। तो लेट्स स्टार्ट बच्चों। सबसे पहले हम बात करते हैं आम चुनाव की। तो बच्चों आपने देखा होगा कि आपके जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, बड़े भाई बहन हैं, वो सब वोट डालने के लिए जाते हैं। तो हमारा जो देश भारत है बेटा, उसमें हर 5 साल बाद लोकसभा और विधानसभा के लिए चुनाव होते हैं और हर 5 साल बाद जो है लोकसभा और विधानसभा भंग हो जाती है, तो नई सरकार के लिए नए चुनाव कराए जाते हैं। फिर जो सभी चुनाव क्षेत्र होते हैं उसमें या तो एक ही दिन पे सभी जगहों पर या फिर छोटे छोटे अंतराल में अलग अलग दिन चुनाव होते हैं कि गैप दे के, जैसे आज 19 तारीख है तो 19 तारीख को हो गया, 20 को हो गया, 22 को हो गया, इस तरह से करा दिया चुनाव। तो इसे हम कहते हैं आम चुनाव, जो एक निश्चित अंतराल पर होते हैं। तो नॉर्मल जो हमारे चुनाव होते हैं वो उसी तरीके से होते हैं, तो इन चुनावों को हम कहते हैं आम चुनाव, जिसमें विधानसभा और लोकसभा की सीटों पर चुनाव जैसे होते हैं। लोकसभा में हम संसद के सदस्यों को, एमपीस को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुनते हैं और विधानसभा में हम एमएलए को चुनते हैं। उसके बाद है बेटा हमारा उपचुनाव। जब भी कोई क्षेत्र, अब मान लो हमने कोई नेता को चुन लिया, वो उस पद पर आसीन भी हो गया, लेकिन किसी वजह से या तो वो नेता अपने पद से इस्तीफा दे देता है या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है, तो जो जिस पद पर वो था वो पद खाली हो जाता है, वहाँ पर अब कोई भी नेता नहीं है, तो उस सीट पर नेता को नियुक्त करने के लिए दोबारा से चुनाव किए जाते हैं, जिसे हम उपचुनाव कहते हैं। उसके बाद है बेटा हमारा चुनावी क्षेत्र। चुनावी क्षेत्र में सबसे पहला है हमारा निर्वाचन क्षेत्र। तो चुनाव के जो उद्देश्य से देश को अनेक क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, जिसे हम निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। अब बच्चों आप देखो, जब चुनाव होते हैं तो ये तो नहीं होता ना कि सिर्फ राजस्थान में जो है दिल्ली वाले जाके वहाँ जाके वोट डाल दें या फिर हरियाणा वाले राजस्थान में वोट डालने जाएँ। हर कोई क्या करता है, अपने अपने क्षेत्रों में वोट डालता है। तो ये जो चुनाव के उससे देश को अलग अलग जिन क्षेत्रों में बांटा जाता है उन्हें ही हम क्या कहते हैं, निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। तो हर क्षेत्र में रहने वाला जो मतदाता है अपने एक प्रतिनिधि का चुनाव करता है। तो जो हर क्षेत्र में जो भी मतदाता होते हैं वो अपने प्रतिनिधि के लिए चुनाव करते हैं, उनके लिए वोट डालते हैं। यहाँ लोकसभा चुनाव क्षेत्र में चुने गए प्रतिनिधि को सांसद कहते हैं और राज्य की विधानसभाओं के लिए निर्वाचित सदस्यों को विधायक कहा जाता है। जब लोकसभा के लिए चुनाव होते हैं और उसमें जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सांसद। और जब विधानसभा, राज्यों की जो विधानसभा होती है उसके लिए जब निर्वाचित सदस्य होते हैं उनको हम कहते हैं विधायक। उसके बाद है बेटा वार्ड। अब वार्ड जिस तरह से देश को अनेक उसमें क्षेत्रों में बांट दिया जाता है हम निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं, इसी तरीके से बेटा हमारी ग्राम पंचायत भी होती है और नगर पालिका भी होती है, इनके लिए भी चुनाव क्षेत्रों में इनको बांटा जाता है, छोटे छोटे चुनाव क्षेत्रों में, जिन्हें हम क्या कहते हैं, वार्ड कहते हैं। और तो निर्वाचन क्षेत्र को कई बार सीट भी कहा जाता है, जो निर्वाचन क्षेत्र होता है उसको हम कई बार सीट भी कहते हैं। आपने देखा भी होगा जब चुनाव होते हैं तो न्यूज़ में आता है कि यहाँ इस सीट पर ये नेता जीता, इस सीट पर ये नेता आगे। तो बेटा जितने भी हमारे जितने भी क्षेत्रों में चुनाव होता है उसके हर एक क्षेत्र की एक एक सीट बन जाती है। अब जैसे अगर हम दिल्ली की बात करें तो अगर दिल्ली में लोकसभा के जो चुनाव होते हैं तो पूरी दिल्ली को 7 क्षेत्रों में बांटा जाता है, 7 चुनावी क्षेत्रों में बांटा जाता है। तो अब जो ये 7 क्षेत्र हैं, अब हर क्षेत्र में एक ही नेता चुना जाएगा तो इसको हम सीट भी कहते हैं कि इस सीट पर एक नेता जीता है। और जब हम बात करते हैं विधानसभा के चुनाव की, तो जो राज्य की विधानसभा का चुनाव होता है तो दिल्ली को, वही दिल्ली है सेम जिसको हम लोकसभा के चुनाव के लिए 7 सीटों में बांटते हैं, लेकिन जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो हम इसको 70 सीटों में बांटते हैं। तो वहाँ पे 70 क्षेत्रों में चुनाव होता है तो हम इसे कई बार सीट भी कहते हैं। अब है नेक्स्ट बेटा हमारा आरक्षित चुनाव क्षेत्र।
कुछ कमज़ोर समझे जाने वाले समूह के पास चुनाव लड़ने और जीतने लायक ज़रूरी संसाधन, शिक्षा और संपर्क नहीं पाया गया। अब बेटा जब चुनाव लड़ने होते हैं तो आपने देखा होगा कि चुनाव प्रचार में लोग कितना पैसा खर्च करते हैं, उनकी जान पहचान भी काम आती है। तो जो कमज़ोर वर्ग होते हैं उनके पास इतना पैसा नहीं होता, इतने संसाधन नहीं होते, ना ही वो इतने पढ़े लिखे होते हैं, उनका संपर्क भी ज़्यादा नहीं होता कि लोगों से कांटेक्ट के वो जीत सके। तो वो क्या करते हैं कि इस वजह से चुनावों में भाग नहीं ले पाते। जिस तरह से हमारे अनुसूचित जाति जनजाति हो गई और हमारे जो महिलाएं हैं उनको भी बहुत समय से जो है कमज़ोर समझा जाता था, उनको अपने आप को विकसित करने के लिए संसाधन नहीं मिल पाए थे। जो अनुसूचित जाति जनजाति उनके साथ लोग क्या ना बहुत ज़्यादा भेदभाव करते थे, तो वो जो है अपने विकास को लेके बहुत ही पीछे रह गए थे। तो इसी बात को ध्यान रखते हुए इन लोगों के लिए एक जो सीट है उसको रिज़र्व कर दिया जाता है कि इन क्षेत्रों पर यही लोग चुनाव लड़ सकते हैं। आगे पढ़ते हैं, जिसके कारण देश की आबादी के एक बड़े हिस्से की आवाज़ संसद और विधानसभाओं तक नहीं पहुंच पाती, जैसे मैंने आपको बताया कि वो चाहकर भी हिस्सा नहीं ले पाते हैं। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने कमज़ोर वर्गों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था सोची। इसके तहत उस आरक्षित क्षेत्र में सिर्फ अनुसूचित जाति जनजाति का ही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, इसे हम आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। अब जो आरक्षित चुनाव क्षेत्र होगा उसमें क्या होगा, फिक्स कर दी गई है कि इस वाली जो क्षेत्र है उसमें जो सीट होगी वो किसकी होगी, अनुसूचित जाति जनजाति वाले व्यक्ति की या फिर महिलाओं की। इस तरह से उस पर और किसी जाति का व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। तो आपस में सभी व्यक्ति एक जैसे ही होंगे, वहाँ पे समानता हो जाएगी, जो संसाधनों का और जो शिक्षा का अभाव है वो सबके लिए एक जैसा होगा। तो ये जो आरक्षित सीटें होती हैं इसको हम आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं बेटा। अब बात करते हैं मतदाता सूची यानी कि वोटर लिस्ट की। अब बेटा जो भी हमारे देश में 18 साल और उससे ऊपर की उम्र के जो सभी नागरिक हैं वो चुनाव में बिना किसी भेदभाव के वोट डालने का अधिकार रखते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से किसी भी जाति से संबंधित हो, अमीर है गरीब है, लड़का है लड़की है। अगर वो 18 साल और उससे ऊपर के हैं तो उनको चुनाव डालने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसको हम सार्वजनिक वयस्क मताधिकार भी बोलते हैं, आप पहले पढ़ चुके हो उसके बारे में। अब वोट डालने के लिए मतदाता सूची में नाम होना ज़रूरी है। अब एक मतदाता सूची होती है, जो भी व्यक्ति उस क्षेत्र में वोट डालने योग्य होता है उसका नाम उस सूची में उस लिस्ट में होता है और उसी सूची को हम मतदाता सूची कहते हैं। अब मतदाता सूची में नाम होने पर वोटर आई कार्ड प्राप्त होता है। अब वोटर आई कार्ड जिसके द्वारा हम वोट डाल सकते हैं वो कार्ड मिलता है जब हमारा नाम मतदाता सूची में चढ़ जाता है। वोट देने जाते समय मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र या अन्य कोई निर्धारित पहचान पत्र साथ लेकर जाना होता है, जिससे किसी का वोट कोई दूसरा व्यक्ति ना डाल सके। अब आपने देखा होगा, जब पूछ के भी देख सकते हो बेटा आप अपने पेरेंट्स से अपने बड़े भाई बहनों से, कि जब वो वोट डालने जाते हैं तो या तो अपना वोटर आईडी कार्ड लेके जाते हैं मतदाता पहचान पत्र से बोलते हैं, या फिर कोई और अपना पहचान पत्र साथ में लेकर जाते हैं जिससे उनके वोट का दुरुपयोग ना हो सके, पहचान से अपने हर व्यक्ति अपना ही वोट डाल सके। उसके बाद है बेटा उम्मीदवारों का नामांकन। अब जब जो भी व्यक्ति चुनाव में खड़े होते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, तो उनको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन भी कराना होता है। जैसे बेटा अगर हम एडमिशन की बात करें स्कूल में कॉलेजेस में, तो जब भी एडमिशन कराना होता है तो हम उसके लिए अपना फॉर्म फिल करते हैं पहले। इसी तरह से जिन भी चुनाव में उम्मीदवारों को जो भी चुनाव लड़ने होते हैं उनको भी अपना एक फॉर्म फिल करना पड़ता है। तो इसी प्रक्रिया को हम उम्मीदवारों का नामांकन भी कहते हैं। देश में राजनीतिक दल अपने अपने उम्मीदवार मनोनीत करते हैं जिन्हें पार्टी का चुनाव चिन्ह और समर्थन मिलता है, जिसे आम भाषा में टिकट कहते हैं। अब जो व्यक्ति चुनाव लड़ता है वो किसी न किसी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं तो उसे उस पार्टी का चुनाव चिन्ह भी मिलता है। मान लो कोई व्यक्ति बीजेपी से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उसे बीजेपी का चुनाव चिन्ह, जो हमारा कमल है बीजेपी का चुनाव चिन्ह, वो उसका चुनाव चिन्ह होगा और बीजेपी पार्टी उसको अपना समर्थन भी देगी। और जब ये चुनाव चिन्ह और ये सीट उसका नामांकन हो जाता तो हम इसको क्या कहते हैं कि उसे उस पार्टी का टिकट मिल गया।
चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक हर एक उम्मीदवार को नामांकन पत्र भरना पड़ता है, और जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है उसको ये नामांकन पत्र भरना पड़ता है, जिसमें उम्मीदवार अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों और अपनी संपत्ति, शैक्षिक योग्यता आदि का ब्यौरा देते हैं। और इस नामांकन पत्र में उस व्यक्ति को अपने सारी डिटेल्स देनी पड़ती हैं, जैसे उसके खिलाफ कोई केस तो नहीं चल रहा है, कोई आपराधिक प्रवृत्ति का तो नहीं है, वो उसने कोई अपराध तो नहीं किया है, कितना पढ़ा लिखा है, इस तरह से उसकी संपत्ति का ब्यौरा, कितने पैसे हैं उसके पास, ये सब उसको उसमें डिटेल्स बतानी पड़ती हैं, तब जाकर उम्मीदवार की नामांकन प्रक्रिया पूरी होती है। अब बात आती है बेटा मतदान और मतगणना की। अब ये सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद क्या होता है, चुनाव होते हैं, तो मतदाता केंद्र पर मतदाता अपना वोट अपनी पसंद के उम्मीदवार को देता है, और हर किसी मतदाता को पूरा अधिकार है कि वो अपना वोट अपने पसंद के उम्मीदवार को दे। और मतदान हो जाने के बाद वोटिंग मशीनों ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को सील करके सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया जाता है, और एक तय तारीख पर उन सभी मशीनों को खोलकर मतों की गिनती होती है। अब ईवीएम के द्वारा वोटिंग होती है, और जब वोटिंग कंप्लीट हो जाती है तो इन मशीनों को सील करके एक जगह पर सुरक्षित पहुंचा दिया जाता है, और फिर एक तारीख जब मतों की जब वोट की काउंटिंग होनी होती है उस दिन पर इन मशीनों को खोला जाता है। यहाँ सभी दलों के एजेंट मौजूद होते हैं जिससे मतगणना निष्पक्ष ढंग से हो सके, और हर पार्टी के एजेंट वहाँ पर मौजूद होते हैं जब काउंटिंग होती है, ताकि ये पता लगा सके कि कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई है वहाँ पे, निष्पक्ष ढंग से जो गणना है वो हो सके, गिनती हो सके। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि यहाँ पर कोई वो हो रहा है, कुछ इस तरीके से निष्पक्ष ढंग से नहीं हो रही है, कोई गड़बड़ हो गई है यहाँ पर, तो वो देख सकते हैं, जैसे कि मशीनें वही हैं हमारी जो वहाँ से आई हैं, कोई गलत काउंटिंग तो नहीं कर रहा है, इस तरह की कोई भी गड़बड़ अगर लगती है तो। इसलिए हर पार्टी के एजेंट वहाँ पर मौजूद होते हैं ताकि कोई भी किसी को ब्लेम ना कर सके। किसी चुनावी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मत पाने वाले उम्मीदवार को विजयी घोषित किया जाता है, और जब काउंटिंग होती है और जिस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं उसे उस चुनाव क्षेत्र का विजयी घोषित किया जाता है कि ये विनर है यहाँ का, और इस सीट से ये व्यक्ति जीत रहा है। आई होप बच्चों आपको ये वर्कशीट यहाँ तक क्लियर होगी। अब हम इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, आम चुनाव और उपचुनाव में क्या अंतर है? तो इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे बेटा हम, भारत में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव हर 5 साल बाद होते हैं। आम चुनाव, भारत में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव हर 5 साल बाद होते हैं। 5 वर्ष के पश्चात सभी प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, तथा हर 5 साल बाद लोकसभा और विधानसभा भंग हो जाती हैं। तब सभी चुनाव क्षेत्रों में एक ही दिन या एक छोटे अंतराल में अलग अलग दिन चुनाव होते हैं, इसे हम आम चुनाव कहते हैं। और उपचुनाव, जब कोई क्षेत्र किसी सदस्य प्रतिनिधि की मृत्यु या इस्तीफे से खाली हो जाता है, तब वहां जो चुनाव होता है उसे उपचुनाव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, सांसद और विधायक में क्या अंतर है? तो इसका आंसर है बेटा हमारा, सांसद लोकसभा चुनाव क्षेत्र में चुने गए प्रतिनिधि को सांसद कहते हैं, विधायक राज्य की विधानसभाओं के चुने हुए निर्वाचित सदस्यों को विधायक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, मतदाता सूची से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर है बेटा, मतदान की योग्यता रखने वाले लोगों की सूची को मतदाता सूची कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, आपके अनुसार चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार में क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? इसका आंसर बेटो बेटा हर किसी का अलग हो सकता है, यहाँ पे मैंने अपने हिसाब से इस आंसर को लिखा है, आप इसमें कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं अपने अनुसार। हमारे अनुसार चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार में निम्नलिखित योग्यताएँ होनी चाहिए। पहला, वह देश का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, उसकी आयु 25 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। तीसरा, वह आपराधिक प्रवृत्ति का ना हो तथा उस पर आपराधिक आरोप सिद्ध ना हुआ हो। चौथा, वह शिक्षित होना चाहिए। पांचवा, वह बुद्धिमान और कार्यशील होना चाहिए। सिक्स, वह ईमानदार एवं जनता के लिए समर्पित होना चाहिए।
आई होप बच्चों आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अगर आपको वर्कशीट समझ में आई है और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। और अगर आपने चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। बाय बाय बच्चों, हैव अ गुड डे प्यारे बच्चों।